जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता। अति प्राचीन विराट हनुमान मंदिर में विराट हनुमान जी के आज दर्शन पूजन श्रृंगार करने का पुण्य सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्तिक मास के प्रथम मंगलवार को इस मंदिर में विराट हनुमान जी के दर्शन पूजन का अधिक महत्व माना जाता है। पहले के समय में यहाँ मेला भी लगता था, तो इस बार सभी भक्तों ने मिलकर श्री विराट हनुमान जी के देवालय में दर्शन पूजन किया और दीपोत्सव कर देवालय में भजन कीर्तन कर विराट हनुमान जी को मनाया। विराट हनुमान जी के दर्शन करने से सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। नगर के श्रद्धालु भक्तों ने श्री विराट हनुमान मंदिर में श्री विराट हनुमान जी को प्रसाद अर्पित कर विराट हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। अलीगंज एटा के राधा कृष्ण मोहल्ले में स्थित विराट हनुमान जी का अति प्राचीन देवालय इस नगर के सिद्ध चार हनुमान मंदिरों में से एक है, जो कि ये मंदिर हनुमान जी के विराट हनुमान स्वरूप को समर्पित है। हर मंदिर की कोई न कोई परंपरा और विशेष पूजा की तिथि होती है। उसी प्रकार विराट हनुमान जी के इस मंदिर में पूजन का सबसे अधिक महत्व कार्तिक महीने के पहले मंगलवार को माना जाता है। इस दिन विराट हनुमान जी की विधिवत दर्शन पूजन करने तथा मंदिर की चार परिक्रमा करने मात्र से विराट हनुमान प्रसन्न होते हैं। पहले के समय में इस दिन मेले का आयोजन होता था और नगर के लोग इनका दर्शन पूजन कर अपने अपने घरों से प्रसाद बनाकर अर्पित करते थे। कई वर्षों पहले मेला लगना बंद हो गया और लोग इस मंदिर के वार्षिक उत्सव को भूल गए, पर इस बार मैंने सभी भक्तों के सहयोग से एक छोटे से कीर्तन का आयोजन किया और श्री विराट हनुमान के मंदिर में इस खास दिन के शुभ अवसर पर विराट हनुमान जी का श्रृंगार पूजन किया।
श्रद्धालु भक्तों ने अपने अपने घरों से 5 दीपक इस मंदिर में दीप दान कर विराट हनुमान का दीपोत्सव किया और करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त किया। वैसे भी कार्तिक मास में दीप दान करने का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। कार्तिक के महीने में तीर्थों, मंदिरों और पवित्र स्थलों पर एक दीप दान करने से साल भर के दीप दान का पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह इस बार श्री विराट हनुमान जी का वार्षिक श्रृंगार उत्सव हुआ। जय श्री राम, जय विराट हनुमान, हर हर महादेव।